मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मैं गरिमा कुमाऊँ सिविल लाइन जयपुर की रहने वाली हूँ। सर, मैं आपके यहाँ अपनी बहन के बलात्कार के केस के लिए मदद मांगने गई थी, लेकिन उस दिन आप जल्दी में थे। मैंने आपसे 2 मिनट बात करने को कहा, लेकिन आपने कहा कि मैं विधानसभा जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, आप मेरे स्टाफ से बात कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। सर, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई थी कि आप मेरी सुनवाई जरूर करेंगे, लेकिन आप उस दिन अपने मेरी सुनी नहीं और आप चले गए। उसके बाद आपने कहा कि आप मेरे स्टाफ से बात कीजिए, तो मैं आपके स्टाफ जो आपके यहाँ पीए है ब्रजलाल प्रजापत, मेरी उनसे बात हुई सर। मैंने उनको मेरी बहन के बलात्कार के बारे में पूरी घटना बताई, तो उन्होंने कहा आपकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर मेरी मदद करने के बजाय मेरा फायदा उठाया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा शोषण किया सर। उस दिन तो मैं वहां से चली गई थी सर, लेकिन उसके 2 दिन बाद उनका फोन आता है मेरे पास और मुझे बोलते हैं कि गरिमा, आपकी FIR की कॉपी मेरे पास रह गई है, मैं आपके घर आ रहा हूँ और मैं आपको वो दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी, आप मुझे वहां दे दीजिएगा। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मेरे घर आए और मुझे वो FIR की कॉपी वहां कर दी। उसके बाद सर, उस दिन घर पर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की उस दिन, लेकिन वो चले गए। उसके 2 दिन बाद सर उनका फोन आता है और उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेशन रोड पर एक होटल है, वहां चलना है। वहां अपने थाना अधिकारी जो हैं, अपने इंचार्ज SHO साहब, वो आए हैं, हमें उनसे इस केस के बारे में बात करनी है। मैं वहां चली गई और वहां पर उसने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई सर। उस दिन मैं जब होश में आई तो मैंने देखा मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, और उसने मेरी एक वीडियो क्लिप बना ली सर, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर। और उसने सर मुझे कई बार मारा पीटा, मुझे धमकाया, मेरे साथ कई बार उसने बलात्कार किया, मेरा शोषण किया सर। आपके यहाँ लड़कियां सर एक न्याय मांगने आती है, आज तो सर मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा सर। लेकिन जब मैंने इस चीज में आवाज उठाई मैं, और अपने इस केस के लिए, फिर मैं सतपाल जी के पास गई अपनी रिपोर्ट लिखवाने कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो सतपाल जी ने भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी वहां भी।